22 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं, 22 कैंडिडेट्स हैं। और जो वोटिंग की फैसिलिटी इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने एम्फेसाइज भी किया है, व्यवस्था भी की गई है होम वोटर्स के लिए जो 85 प्लस उम्र के हैं और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनके लिए और जो इसेंशियल सर्विसेज में, आप जानते हैं 7 कैटेगरी नोटिफाई किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं जो इसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वोटिंग की फैसिलिटी। और लास्ट बार आपको बताया गया था कि जो अर्बन एरिया है उसमें वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्वीप की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे जोर दिया जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और हमारा इन्फोर्समेंट लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो और जो कोई गलत तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे उनको पकड़ना है, और इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इस पे मेजर 5 पॉइंट पे इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पे रहेगी। सर कल अगर देखा जाए उमेश जी का भी दौरा है, क्या उसको लेकर तैयारियां फुल फ्लेज्ड हैं सब? इलेक्शन के टाइम पर जो मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो तो मतलब होता है, बाकी पॉलिटिकल रैली है तो उस पे हमारा ज्यादा सेम है। कमीशन की तरफ से कुछ सीजर्स किए गए हैं क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बड़े लेवल पर जो है कैश सीजर हुआ है, उसके अलावा भी बाकी सीजर्स किए गए हैं? हाँ, जो सीजर्स में है तो लगभग 53 लाख रुपए कैश इंटरसेप्ट किया गया है जो डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ हमारा मतलब वो काम चल रहा है कि उस पे वो उसकी गड़बड़ हुई है नहीं उसकी जांच की जा रही है और जो भी जैसे उसके नियमन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यही कहूँगा कि वोट डालने जरूर जाए और उनके लिए हर तरीके की फैसिलिटी है। अब जैसे आपने होम वोटर्स 18 साल के ऊपर जो अभी हैं उनको वोटिंग का बताया है, तो आप मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं और स्वीप का प्रोग्राम उनके लिए किया भी जा रहा है, हम मतलब जिस तरीके से उनको प्रेरित कर सकें उस तरीके से जो जिला निर्वाचन का पूरी टीम है वो पूरी तरीके से लगी हुई है कि हर कोई वोट डालने जाए और हम व्यापक तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें वोट डालने जरूर जाए। सर इलेक्शन कमीशन जो है देश के कई हिस्सों में जहां हेलीकॉप्टर का प्रयोग हो रहा है, हेलीकॉप्टर पर भी छापेमारी कई जगह की गई है, क्या अभी जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसी कैंडिडेट की तरफ से हेलीकॉप्टर यूज किया गया है, उसकी क्या जांच की जा रही है? अभी तक कोई यूज नहीं किया गया, बाकी यही बात आप जो पूछ रहे हैं सारा कुछ नियम संगत है, नियम जिस हिसाब से कहता है उसके हिसाब से किया जाएगा। इस बार बदलाव क्या किए गए? इस बार वोट कराने की व्यवस्था की गई है और डेट्स भी नोटिफाई कर दी गई है 21 और 22 तारीख, साथ ही साथ जो इसेंशियल सर्विसेज मैंने पहले आपको बताया उसमें भी सारी व्यवस्था है और इलेक्शन ड्यूटी पर जो लोग रहेंगे उनके लिए भी व्यवस्था है और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनके लिए व्यवस्था है। 5 जो बिंदु हैं स्तंभ है इनको कवर किया गया है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो यूएपीए के अंडर भी हैं उन्हें भी ये फैसिलिटी दी जाएगी? हमारे पास ऑलरेडी जो लिस्ट आई हुई है उसमें जो जो कैटेगरी के हैं वो उनका हमने किया है। यूएपीए की कैटेगरी, उसमें वो कैटेगरी एक्चुअली सारा जो भी है उनके हिसाब से आई है, तो बताना था नहीं, बस प्रिवेंटिव डिटेंशन सब डाल समझे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जिसमें कोई आपने स्क्रूटनी की थी कोई 5000 वेपन थे जिनके पास, बता सकते हैं उसमें से कितने अभी तक वेपन जमा हो गए हैं, कितने लोगों ने करवाए हैं? जो स्क्रूटनी के हिसाब से जो हमें लिस्ट जो मैंने प्रोवाइड किया था जितने लोगों का जमा करना था हो गया है उतना वेपन डिपॉजिट सारे हो गए। एक चीज और थी कि जैसे जो कैंडिडेट्स हैं इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेन जहाँ कुछ कोई किसी ने शिकायत की होगी सोशल मीडिया पे या किसी तरह से किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई शिकायत की और उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो? 2-3 कंप्लेंट ऐसी आई थी तो जो शिकायत करता थे तो उनको प्रॉपर रिप्लाई दे दिया गया है और जो नियम संगत कार्रवाई थी वो की गई है। नाम बता सकते हैं सर की? नाम की जरूरत नहीं, आई थिंक सर कुछ आप डिटेल्स में आप ले सकते हैं अलग से। जो लसन जिनके पास वेपन है पर उन्होंने जमा नहीं करवाए हैं और वो कहते हैं आप अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं, अगर उन्होंने नहीं डिपॉजिट किया तो उनका कार्रवाई? जो मेरा आदेश हुआ था वो 4 कैटेगरीज में हुआ था जिससे चुनाव में बाधा या किस उस छवि वाले लोग थे, तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो एसएसपी साहब ने मुझे लिस्ट दिया था कि इनके वेपन डिपॉजिट हो गए हैं, तो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके वेपन डिपॉजिट हो गए हैं। सर स्वीप के तहत अवेयरनेस लगातार करवाई जा रही है, वोटर्स को भी कहा जा रहा है वोट डालना बड़ा जरूरी है, क्या फार फ्लंग एरियाज पे भी इसी तरीके से जो है मैसेज जा पा रहा है? क्योंकि वहाँ कई लोगों के पास तो शायद एंड्रॉइड यूजर भी नहीं है, मोबाइल भी जरिए पढ़ते होंगे, क्या वहां तक भी पहुंचा जा रहा है? बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया पर भी जोर दिया जा रहा है और जो भी उनके माध्यम है जिनसे उन तक निर्वाचन आयोग पहुंच सके वो किया जा रहा है।
और आपने जैसे पूछा, तो जब हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो जो पॉलिटिकल रैलीज होती है वो हमसे नहीं वास्ता होता है, जो तो उसमें एज अ रिटर्निंग ऑफिसर का कोई रोल, जो हमारे रैली वगैरह होती हैं ऐसी, उसमें हम इस हमारी सर्विलेंस टीम लगती है और वो पूरा अकाउंटिंग टीम लगती है, वो सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं ताकि उसका हमारे पास डिटेल्स होता है कि कितने जो भी परमिशन के हिसाब से क्या चीज़ें ली गई थी और कितना दिखाया गया एक्सपेंडिचर, जो बुक कितना होना है, वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। सर, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स पर अभी किसी तरह का एक्शन जो है लिया गया है किसी भी वायलेशन के लिए? हम नोटिसेस हमने बहुत सारे इशू किए हैं और उसमें जवाब भी आ रहा है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो जवाब एक्शन लिया गया अभी तक तो नहीं। सर, सीजर में इसके कैश के अलावा कुछ कुछ ऐसे लिकर है? लिकर भी पकड़ा गया है, लगभग 800 लीटर शराब भी पकड़ी गई है, तो उस पे है, तो वो भी पकड़ा गया। ठीक है सर। आप